एक बलंतरीन सलवा का और बात कर खिदमत में आपके इल्तिमास से एक सूरह फातिहा पढ़ते मरहुमा उम्मे फरवा बिनते तौखीर हुसैन और तमाम एक और बलंतरीन सलवार इसके बुलंद एक और सलवार क्योंकि आपकी खिदमत में पहली मरतबा हाजिर हुए हैं, इसीलिए इस एक मजलिस में खिदमत में आपकी उस सब्जेक्ट का तारुफ हो सकता है जिनके ऊपर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह कभी आने वाले दिनों में मजालिस होगी, क्योंकि ये अयाम शहजादी कौनैन की किस्मत से जुड़े हुए अयाम है और ये मजलिस मरहुमा के ईसाल सवाब के लिए है। इसीलिए आपकी खिदमत में उस ज़ात मुक़द्दस की नाम की वजाहत में कुछ देर जिक्र करते हुए मजलिस तमाम करेंगे। साहिबान ईमान अपनी तवज्जुहात को जिक्र अहले बैत की तरफ मोड़ने के लिए बुलंदतरीन सलवात और बार कर لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نهضته اوهام الواصفين صل على محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائه وخذلته المجنين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات کر دیجئے اللهم صل على محمد وعلى محمد فرمایا साहिब आज़म दर्जात अल्फाज ने फरमाया, मालिक मोजिज़नुमा अंदाज ने फरमाया, मलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मलाए कायनात के जिस मुबारक मुकद्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है, अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मलाए कायनात ने यह बताया कि किसी भी इंसान के दीन का आगाज कब होता है। अपने इस फरमान से दुनिया के सामने इस हकीकत को रखा कि वो कौन सा लम्हा है, वो कौन सा दिन है जिस दिन और लम्हे से इंसान के दीन की शुरुआत होती है। दुनिया भर में फैली हुई इस गलतफहमी को मौला ने दूर कर दिया, जहां लोग ये तसव्वुर करते थे कि
कि अगर हम दीनदार घराने में पैदा हो गए तो हम भी साहिब दीन है। मौलाना ने इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि किसी भी इंसान के दीन का आगाज होता कब है। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 1 उसी के इब्तदाई अल्फाज है। इरशाद फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की सबसे पहली जिम्मेदारी, दीन का सबसे पहला जीना मारिफत है। मौला ने फरमाया इंसान के दीन का आगाज उस वक्त होता है जिस दिन उसे दौलत मारिफत नसीब होता है। अगर उसकी जिंदगी नूह जितनी हो, 2500 बरस की जिंदगी नमाज व रोजा व हज व ज़कात और इबादात में गुजर रही हो, लेकिन अगर उसकी हयात में वो लम्हे मारिफत मौजूद नहीं है तो वो सारी जिंदगी में दुनिया में आकर चला जाएगा लेकिन उसका शुमार दीनदारों में नहीं किया। तो इरशाद फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफत, दीन की सबसे पहली जिम्मेदारी मारिफत है। मौला ने फरमाया मारिफत से दीन शुरू होता, जिससे जितनी ज्यादा मारिफत हासिल होगी उसका दीन उतना ज्यादा पुख्ता होगा। इरफान को दीन की पहली जिम्मेदारी करार दिया, मारिफत को दीन की पहली जिम्मेदारी करार, यानी शुरुआत दीन की मारिफत से हो रही। इतना ज्यादा यानी सिंपल फरमान, यानी एक अक्ल के लिए इतनी सामने की बात है कि आप अगर किसी दुनियावी चीज से इसकी मिसाल लेना चाहे तो आप किसी भी शख्स से पूछ ले कि भाई आपने जब फोन खरीदा है तो फोन खरीदने से पहले क्या आपने मालूम कर लिया था कि उस चीज से क्या होता है। अगर बगैर सोचे समझे, बगैर मालूम किए कि उससे काम क्या लिया जाएगा, अगर किसी ने फोन खरीद लिया तो ये बताइए कि उसे फोन खरीदना क्या फायदा पहुंचाएगा। लोग ये कहेंगे कि तुम्हें चाहिए था कि उस चीज को खरीदने से पहले उसकी मारिफत तो हासिल कर लेते, वो काम क्या आती है। यानी मारिफत के बगैर जब एक फोन से फायदा नहीं पहुंच सकता तो कैसे इंसान ये उम्मीद लगाए है कि मारिफत के बगैर वो दीन में इतना आगे निकल जाए। इसीलिए मौला ने फरमाया दीन की पहली जिम्मेदारी मारिफत है। रसूल अकरम ने मारिफत को इबादत की रूह करार दिया, इबादत की रूह करार। जैसे हर जिस्म होता है, उस जिस्म की जिंदगी और जान के लिए उसमें रूह होती है। रूह के निकल जाने के बाद जिस्म मुर्दा हो जाता है। वैसे ही फरमाते हैं कि भाई इबादत के अजसाम है, इबादत का जिस्म है। एग्जाम्पल, आप दूर से किसी को देख रहे हैं, खड़ा हुआ है, कुछ देर में रुकू में झुक गया, कुछ देर में सजदे में चला गया, आप देख रहे हैं कभी खुनूत है कभी तशहुद है, आपकी उसकी बात नहीं हुई लेकिन दूर से देखकर आपको समझ में आ गया ये नमाज पढ़ रहा है, क्योंकि ये नमाज का जिस्म है। क़याम रुकू सुजूद सजदा खुनूत ये सब है नमाज का जिस्म। आपने किसी को देखा सुबह तुलुए फज्र से पहले, एक रोटी खा ली, सारा दिन भूखा रहा, अब मगरिब के बाद फिर उसने कुछ पानी पिया या फिर एक रोटी खाई, आपने देखकर पहचान लिया ये रोजा रख रहा है, ये रोजे का जिस्म है। आपने देखा कि कोई अपने घर से चला गया, एहराम बांध लिया, काबे का तवाफ कर रहा है, आपको समझ में आया ये हज है, क्योंकि ये हज का जिस्म है। हर इबादत का एक जिस्म होता है।
मल्ला फरमाते हैं कि ये सारे के सारे इबादतों के जिस्म है और मारिफत इस इबादत के जिस्म की रूह होती है। अगर मारिफत इबादत से निकल जाए तो इबादत की मिसाल एक बगैर रूह वाले मुर्दा जिस्म की तरह होती है। और मुर्दा जिस्म किसी के लिए भी रहमत नहीं हो सकता, वो सिवाय जहमत के और कोई चीज नहीं होता। बच्चे घर में खेल रहे थे, बाप दाखिल हुआ, सब खुश हो गए कि भाई हमारे बाबा आ गए। उसी बाप के जिस्म से रूह निकल गई, बच्चों ने ले जाकर दफन कर दिया। आप अगर कहें आपके बाबा है, इतनी बड़ी नेमत को अल्लाह की आप ले जाकर दफन कर रहे हैं, का ये नेमत उस वक्त तक थी जब तक इसमें रूह थी। रूह के निकल जाने के बाद ये जहमत हो जाएगी। जिसमें इंसानी रूह के बगैर जहमत होता है, तो इबादतें भी रूह के बगैर सिवाय जहमत के और कुछ नहीं होती। इसीलिए मौला ने फरमाया अपनी इबादतों को जिंदा और बाहयात करो मारिफत के जरिए से। अव्वलुद्दीन है मारिफत, दीन में सबसे पहली जिम्मेदारी मारिफत है। मारिफत से दीन शुरू हुआ। अब मारिफत के सफर पर जब आप निकलते हैं तो हजारों मारिफत है। क्या मारिफत, किस चीज की मारिफत? निकल गए तौहीद की मारिफत, रिसालत की मारिफत, इमामत की मारिफत, इस्मत की, विलायत की, अदालत की, खयामत की, किस चीज की? यानी मारिफत हजारों चीजों में। अब इंसान जब इरफान के सफर पर निकलता है तो कई सारी चीजें सामने आती है। उन्हीं में से एक जिसका आपकी खिदमत में आप जिक्र करेंगे वो है मारिफत इस्म। मारिफत इस्म यानी नाम की मारिफत। अब अगर कोई ये कहे कि भाई नाम में क्या मारिफत, नाम तो बस नाम है, तो ऐसा नहीं है। नाम का इरफान इंसान को समझाता है कि जब नाम का ये आलम है तो जात का क्या आलम होगा जिसका ये नाम रखा गया। इसीलिए दुआ कुमेल में मौला ने इरशाद फरमाया उसका सिर्फ नाम नहीं है। तुम समझ रहे हो सिर्फ नाम का, या मनिस्म हो दवा, वो जिसका नाम दवा है। यानी अगर बुखार आ जाए, जिस्म बीमार हो जाए, तो उसके लिए आपको तो दवा कहीं मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी की रूह बीमार हो जाए तो दवा कहां से लाएगा? मौला ने फरमाया उसका नाम वो दवा है जो कल्ब और रूह के अमराज को दूर करता है। लोगों ने समझा महज नाम, लेकिन नाम महज नहीं होता, नाम में असरार छिपे हुए। इस्म अलिफ सीन मीम। सबसे पहले अगर इस्म पर कुछ बहस हो तो देखिए इस्म किसे कहते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, ये लफ्ज आया कैसे। तो इसकी रूट है सीन मीम वाव, यहां से ये निकला। इस्म में वाव पोशीदा है लेकिन ये उसी रूट से आया। उसके माना क्या, सीन मीम वाव के माना, उसके माना है ऊंचे होने, उसके माना है बुलंद होने। इसी से एक लफ्ज बना जिसे कहते हैं समा। समा यानी आसमान। आसमान को समा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ऊंचा है, क्योंकि वो बुलंद है, इसीलिए उसे समा कहते हैं। इस्म कहते हैं जात से जुड़ी हुई उस सिफत को जिस सिफत के जरिए से वो अपनी बुलंदी का इजहार करे। इस्म किसे कहते हैं, इस्म कहते हैं उस सिफत को जो जात से जुड़ी हुई है, जो जात की बुलंदी का इजहार करे, वो उसका इस्म होता है। तवज्जो, इसीलिए आपको ये कहावत मिलती है कि अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिससे जिल्लत और रुसवाई की बस्ती में जाना पड़े तो कहा जाता है तुमने तो नाम बदनाम कर दिया। अबे नाम का क्या लेना देना, उसने तो काम किया था बदनामी वाला, लेकिन आप दोष नाम पर डाल रहे हैं। क्योंकि नाम से बुलंदी का इजहार होता है, तुमने जब पस्ती का इजहार किया तो वह नाम बदनाम हो गया।
और जाना, यानी इस्म किसी की बुलंदी के इजहार के जरिए वो कहा जाता है। तवज्जो रहे, इस्म ये चल रहा क्या चीज है? रोजाना, यानी खुदा के इस्म के बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता हमारा, हर काम के लिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू, शुरू यानी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, अल्लाह के नाम से। और जो कुरान शुरू हो रहा है अल्लाह के नाम से, कुरान अल्लाह से नहीं शुरू हो रहा है, अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है। यानी हमें ये बात समझ में आई है कि उसका एक नाम है मुबारक, इतना मुबारक कि उसी नाम से अल्लाह का कलाम शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से, तवज्जो रहे, ठीक है, इसमें बहस चल रही थी, इसमें अल्लाह के लिए, उसके वजूद के लिए कोई नाम है ही नहीं, अल्लाह का कोई नाम नहीं। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि नाम के होने के लिए हुरूफ का होना जरूरी है। अलिफ बेते से हो, है ना, सारे अलिफ से लेकर ये तक हो, तब आप किसी का नाम रखेंगे। जे, ये, दाल, जैद, अलिफ बेते से ना हो अगर, तो अलिफ बेते से होने के लिए आवाज हो, अगर आवाज होंगे तभी तो अलिफ होगा, आवाज होगी तभी तो बे होगा, आवाज होगी तो ए होगा, आवाज होगी तो एस होगा। भाई आवाज ही नहीं है तो ना ए है, ना बी है, ना सी है। तो हुरूफ का, इस्म के लिए यानी वर्ड के लिए हुरूफ का होना जरूरी, हुरूफ के लिए आवाज का होना जरूरी, और वो उस वक्त से मौजूद है जब आवाज थी ही नहीं। मैं तवज्जो है, वो उस वक्त से मौजूद है जब आवाज थी ही नहीं, जब आवाज ही नहीं थी और उसने आवाज को पैदा किया, उसने हमारी गुफ्तगू की खातिर आवाज को पैदा किया, आवाज की खिलकत से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। बेतवज्जो, आवाज जो बनाई गई इससे उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उसने आवाज बनाई हमारी बातचीत की खातिर ताकि हम बातचीत कर सके। वरना ऐसा नहीं है कि अगर कोई आवाज ना निकाले तो वो नहीं सुन सकता। आप चीख चीख कर पुकार कर कह रहे हैं वो सुन रहा है, आप दिल में सोच रहे हैं वो सुन रहा है। अबे हमने कहा तो आपने सुन लिया, लेकिन सोचने की बात को कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि हमें सुनने के लिए आवाज की जरूरत है ही नहीं, हमने तो आवाज तुम्हारे लिए पैदा की। यानी उसने आवाज को वजूद दिया, फिर आवाज से हुरूफ बने, फिर हुरूफ से इस्म बना। तो जो इतनी बाद में आने वाला इस्म है वो अल्लाह की जात से जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो उस वक्त से मौजूद है जब हुरूफ थे ना आवाज ना अल्फाज। तो भाई जब है ही नहीं आवाज, जब उसका कोई नाम है ही नहीं, तो फिर बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के नाम से। जब नाम नहीं है उसका, तो फिर बिस्मिल्लाह का मतलब क्या हुआ? तो इस्म का डेफिनेशन ये है भाई, तवज्जो है, नाम का डेफिनेशन ये है कि दो लोगों के बीच में आने वाला ऐसा वसीला जिससे किसी की पहचान हो जाए वो उसका इस्म होता है। तवज्जो, इस्म का डेफिनेशन ये है कि एक बीच में आने वाला ऐसा वसीला जो किसी की मारिफत का जरिया बने, किसी की पहचान बने, वो उसका इस्म होता है। जैसे एग्जाम्पल पानी, हमने कहा पानी, जो हमने कहा है वो पानी नहीं है, वो तो जबान से निकला हुआ लफ्ज है ना, पानी तो बाद में आएगा, ग्लास में लाकर आप रखेंगे ये लीजिए पानी है, हमने जो कहा वो तो पानी नहीं है, फिर वो क्या है? वो पानी का नाम है।
का क्यों? इसीलिए क्योंकि वो कहने से हमें पानी समझ में आया, समझ यानी एक ऐसा वसीला जो बीच में आकर किसी की मारिफत कराने लग जाए, उस वसीले को उस जात का इस्म कहा जाता है। और अल्लाह का अलिफ बे ते से के एतबार से कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो आवाज और हुरूफ से पहले से मौजूद है, लेकिन कायनात के सामने एक वजूद ऐसा आया जिसके आने की वजह से लोगों को अल्लाह समझ में आने लगा। तो वो दरमियान में आने वाला वसीला उसका इस्म है। इसीलिए अली अल्लाह का इस्म है, इसकी वजह से अल्लाह पहचाना गया। इस वजह से अली अल्लाह का वो इस्म है जिसकी वजह से अल्लाह पहचाना गया। अगर अली दरमियान में ना हो तो अल्लाह को कोई नहीं पहचान सकता। जिसने अली को छोड़कर अल्लाह को समझने की कोशिश की, वो तौहीद के नाम पर मुशरिक हो गया। क्योंकि बगैर इस्म वजूद को नहीं पहचाना, वो उसका इस्म है। तो अब हमें समझ में आया कि ये वजूद अली अल्लाह का इस्म है, तो हमें इस बात समझ में आई या मन इस्म हूं दवा से मुराद क्या है। ऐ वो जिसका नाम दवा है, हमें समझ में आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुराद क्या है। शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाह से नहीं उसके नाम से। कुरान अली से शुरू होता है, क्योंकि जरूरी है कुरान के लिए अली से शुरू होना, क्योंकि जो सामित है उसकी जिम्मेदारी है वो नातिक से शुरू हो। उसका फरीजा है कि वो नातिक से शुरू हो, समझ जाए ना। तो ये इसमें है। अब इसमें अल्लाह रखता है, कुछ के नाम अल्लाह ने रखे, हम भी नाम रखते हैं, लेकिन जब हम नाम रखते हैं तो नाम में जो कैफियत और सिफत होती है उसका जात से कोई रिलेशन ही नहीं होता। हम ऐसे नाम रखते हैं, हमने नाम रख दिया किसी का अमीन, और आप जिंदगी देखें अगर उसकी, तो इतनी चीजों को पर उसने कब्जा कर लिया कि कहीं से भी अमीन उससे आकर जुड़ता नहीं। आपने नाम रख दिया किसी का, हम रख देते हैं किसी का नाम कि भाई सादिक नाम रख दिया, लेकिन जिंदगी झूठ से भरी हुई। हमारे नाम सिफत से मैच नहीं होते, लेकिन अल्लाह ऐसे नाम नहीं रखता। जब अल्लाह किसी का नाम रखता है तो बएतबार सिफत रखता है, जैसी सिफत होती है वो वैसा ही नाम रखता, बगैर सिफत वो नाम नहीं रखता। तो अब जब नाम यानी बुलंदियों में एक नाम अली का नाम है, तो जिसका माना बुलंद है, तो अब कोई सोचे कि उसकी बुलंदी का आलम क्या होगा जिसका नाम अल्लाह ने अली रखा। अली का नाम दुनिया ने, मखलूक ने अली नहीं रखा, अली का नाम खालिक ने अली रखा। कितना बुलंद होगा, है ना। तवज्जो बस देखिए, हमें बात को तूल देना नहीं है क्योंकि आपके लिए काफी देर और ताखीर हो रही है। एक नाम उसने रखा, वो नाम है फातिमा। नाम उसने रखा, क्या है इस नाम का मतलब, इस नाम का आखिर माना क्या है?
एक बुलंदतरीन सलवात और बात और मोहम्मद वाले मोहम्मद एक और बुलंदतरीन आप तमाम ममलिन की खिदमत के लिए बेहद ममनून और मशहूर है। उम्मीद है कि तवज्जुहात आपकी मुंतशिर नहीं हुई होगी। दुआ है आप तमाम से कि खास की सेहत और आफियत के लिए दुआ फरमाएं। मौलाना की सेहत और सलामती के लिए जनाब ज़हरा पे बुलंद तर सलावात। गुफ्तार आपकी खिदमत में ये चल रही थी कि मौला ने ये इरशाद फरमाया, अव्वलुद्दीन मारिफतु, दीन में सबसे पहले इरफान है, मारिफत से दीन का आगाज होता है। जिस लम्हे में मारिफत हासिल हो जाए वो लम्हा उसकी दीनदारी का लम्हा होता है। इसीलिए जो ये बात ये दुआ मांगी जाती है कि खातिमा हमारा ईमान पर हो, इसका मतलब ये है कि हमें मौत उस लम्हे में आए जिस लम्हे में हमें दौलत इरफान हासिल हो जाती है। मारिफत के हो जाने के बाद मौत जाहिलियत की मौत करार पाई है ना। इसीलिए रसूल ने बयान फरमाया कि जो अपने इमाम को पहचाने बगैर मर जाता है, उनकी मारिफत के बगैर मर जाता है, तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। वो इसीलिए क्योंकि उसके उसके लिए ईमान की मौत और दीन की मौत उस वक्त होगी जब उसे मौत उस लम्हे में आए जिस लम्हे में उसे मारिफत हासिल हो। मारिफत का लम्हा हासिल हो जाने के बाद दुआ ये की जाती है कि वो लम्हा हमारी जिंदगी से फिर चले ना जाए और उसी लम्हे में हमें मौत आए ताकि हमारी दीन की बखा रहे और हमें दर्जे शहादत नसीब हो। और जो ना इसी इरफान से दीन जुड़ा हुआ, यानी हमें आशूर के रोज ये समझ में आया कि मुकाबले में सैयद उश्शहदा हजारों लाखों के उस लश्कर में जहां ये तमाम इबादतों का जाम लिए हुए चल रहे थे, उस लश्कर में एक ही था जिसके जमीर ने उसे झिझोड़ा और उसकी जिंदगी में लम्हे मारिफत, उसकी जिंदगी में लम्हे मारिफत आया। और जब उस लम्हे इरफान को हुर ने हासिल किया तो हुर की जिंदगी का वो एक लम्हा पूरी जिंदगी की इबादतों पर भारी हो गया। इसीलिए मौला फरमाते इरफान का एक लम्हा तुम्हारी सारी जिंदगी से अफजल होता है। अजीब अहादीस बयान किए गए। रसूल अकरम ने बयान फरमाया कि आरिफ का सोना आबिद के जाकर इबादत करने से अफजल होता है। आरिफ का अपने घर में रहना आबिद के सफरे हज पर निकलने से अफजल होता है। आरिफ की जिंदगी के एक लम्हे में हजारों बरस की इबादतों को लिखा जाता है क्योंकि उसे दौलत इरफान आती है। इरफान के सफर में हजारों चीजें आती हैं जिनमें से एक है इस्म, मारिफत इस्म। तो इस्म तो वाज़े हो गया कि इस्म कहते किसे, इस्म कहते हैं बीच में आने वाले उस मीडिएटर को जो किसी का ताल्लुक करा है, वो उसका नाम होता है। यानी अगर हमारे आने से पहले आपके सामने फ्लायर पर अगर नाम लिखा हुआ है तो वो हम नहीं है, लेकिन उसने तारुफ करा दिया और हम आ रहे हैं, लिहाजा वो हमारा नाम करार पाया। वैसे ही तौहीद की पहचान बनकर
जब ये 14 दुनिया के सामने आए तो ये 14 अल्लाह के अस्माए हुस्ना और कुरान ने हमें ये हुक्म दिया है कि तुम अपने परवरदिगार को उसके अस्माए हुस्ना के जरिए से पुकार, यानी अगर 14 को छोड़कर उसे पुकार रहे हो तो तुम्हें उसका नाम मालूम ही नहीं है, और जिसका नाम ही नहीं मालूम तुम उसे कभी पुकार नहीं सकते। तो इसम की बहस चली। अब अल्लाह ने कहा हम भी इसम रखेंगे, तो वो इसम रखता है बिल्कुल ऐने सिफत व जात। जब तक सिफत न पाई जाए वो नाम नहीं रखा जाता। जैसे अल्लाह ने नाम रखा एक फरिश्ते का जिब्रील। कहा क्यों नाम रखा? क्योंकि उस फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ने अपने जबर का इजहार किया। जब उम्मतें सरकश होकर नाफरमानी करती थी तो उनके ऊपर जब अजाब आता था, जोर और ताकत का मुजाहरा होता था, तो जिब्रील को हुक्म दिया जाता था, वो अपने पर से बस्तियों को, जमीनों और तबकात को उठा उठा कर पलट कर फेंक देते थे। तो अल्लाह ने अपने जबर का इजहार किया, नाम जिब्रील हो गया। नाम वो रखता है तो सिफत के एतबार से रखता है, और जो है ना, अब उसकी तारीफ का क्या आलम होगा, उसकी हमदियत का आलम क्या होगा, जिसका नाम खुद हामिद ने, खुद हमीद ने, खुद महमूद ने जिसका नाम मुहम्मद रखा। उसकी बुलंदी का क्या आलम होगा, जिसकी बुलंदी के लिए खुद उसने उसका नाम अली रखा। यानी इस नाम में इतने असरार छिपे हुए हैं कि अली उस बुलंदी को कहते हैं जो मखलूक के लिए बुलंद नहीं है। मखलूक के मुकाबले में उसका बुलंद होना उसकी शान नहीं है, जो अल्लाह की निगाहों में बुलंद हो उसका नाम उसने अली रखा। अली उस वजूद का नाम है जो तौहीद के नजदीक बुलंद है, यानी उसकी बुलंदी का ऐलान अल्लाह कर रहा। एक नाम उसने ऐसे ही रखा जिस नाम के साये में हम खड़े हुए, और परवरदिगार आलम ने रखा हम आपका नाम रखते हैं फातिमा। अब नाम है सदियों से रखा गया, सदियों से इस नाम के ऊपर गौर और तदब्बुर किया जा रहा है कि क्या नाम रखा गया, इस नाम में असरार क्या छिपे हो, आदाब व तहजीब क्या। आरिफीन चले, इरफान के सफर पर चलते चलते मीर अनीस एक मंजिल पर पहुंचे, और अनीस ने जब ये नाम देखा तो अनीस ने नाम की अजमत का इजहार किया, और उसकी मारिफत में अल्फाज से, जबान से ये अल्फाज जारी हुए। अनीस लिखते हैं वो रूह से ताहिर है तो पाकीज़ा है जान से, वो रूह से ताहिर है तो पाकीज़ा है जान से, कौसर से वजू कर लूं तो लू नाम जबान से। कौसर से वजू कर लो तो लू नाम जबान से, यानी उन्होंने बताया कि अगर इस इस्म की मारिफत हो जाए तो उस इस्म को जबान पर लाने के लिए क्या क्या आदाब है, उस इस्म में असरार कितने होंगे। परवरदिगार आलम ने नाम रखा, इस नाम के माना क्या है, कहा हमने इस वजूद के जरिए से, इस नाम के जरिए से अपनी एक सिफत का इजहार किया। तवज्जो रहे, अपनी एक सिफत करता, तो कौन सी, कफातिर पे अलिफ पे रे, फातिर। क्या है ये फातिर? फातिर किसे कहते हैं? फातिर इसमें फाइल है, यानी काम करने वाला फातिर, वो जो फेले फतर अंजाम दे उसे फातिर कहते हैं। है ना तवज्जो, जो फतर यानी इस प्रोसेस को जो पूरा करे उसे फातिर कहते हैं। तो फतर क्या है, फतर किसे कहते हैं? फतर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें रतख को फतख किया जाए, रतख को फतख करने को फतर कहते हैं। फतर अंजाम देने वाले को
फातिर कहते हैं। अल्लाह ने कहा मैं फातिर हूं और मैं अपने फातिर होने का पता इनके जरिए से दे रहा हूं। कभी फातिर कौन है? का जो फतर अंजाम, फतर क्या है? का रतख को फतह कर। का ये रतख और फतह क्या है? रतख किसे कहते हैं? रतख कहते हैं किसी भी शय के कंप्रेस्ड फॉर्म को रतख कहा जाता है। किसी शय के सबसे ज्यादा सिमटे हुए फॉर्म को रतख कहते हैं, और जब वो फैल जाए तो उसे फतह कहते हैं। तो जो है ना, यानी आपने हथेली पर एक बींज उठा लिया, आप हथेली पर बींज रखे हुए, आपकी हथेली पर बींज, उसी बींज में तना भी है, डालियां भी है, पत्ते भी है, फूल भी है, फल भी है, इतना बड़ा शजर उस बींज में है, लेकिन क्योंकि सिमटा हुआ, सबसे ज्यादा कंप्रेस हुआ हुआ है, इसीलिए बींज है। बींज को कहते हैं रतख। और जब वो बींज फैल कर दरख्त में तब्दील हो जाए उसे कहते हैं फतह। यानी बींज हथेली पे आ गया और जंगल की वसत को देखकर हम हैरत में पड़ गए। अब इतना बड़ा जंगल कहां से आया? कहा भाई एक बींज से आया। यानी सिमटा हुआ जब था ये जंगल एक बींज की सूरत में तो रतख था, अब फैल कर जो पूरा गुलशन और जंगल हो गया ये फतह है। जो उस सिमटे हुए बींज से पूरे दरख्त को बाहर निकाले, उस रतख के फतह करने वाले को फातिर कहते हैं। यानी फतर कहते हैं इस प्रोसेस। अब ये बींज था, दरख्त था, आसमान जमीन भी ऐसे ही। कुरान ने ऐलान किया अवलम यर लजीना कफर अन्न समावाति वल अर्ध कानता रतखन फतखना हुमा। क्या काफिरों ने यह नहीं देखा कि ये आसमान और जमीन किसी जमाने में रतख हुआ करते थे? हमने उन्हें फतख बना दिया, सिमटे हुए थे हमने उन्हें फैला दिया। अब साइंस यही कहती है कि भाई ये एक नुक्ते से शुरू हुआ, सिमटा हुआ, एक धमाका हुआ, बिग बैंग का बड़ा, और जमीन और आसमान बन गए। लेकिन पहले ये सिमटे हुए थे, यानी उस सिमटे हुए नुक्ते को कायनात बना देना फातिर का काम है। बींज को दरख्त में तब्दील कर देना फातिर का काम है। और जो है ना, ये है फातिर, करने वाले को फातिर कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठेगा कि परवरदिगार तूने बींज को आखिर दरख्त में बदला क्यों? तुझ में सलाहियत है, तू खादिर मुतलक, तू जो चाहे करे, लेकिन तूने बींज को दरख्त में बदला क्यों? उसका रीजन क्या है? तो जो है ना, फातिर के इस पहले फतर के पीछे वाले रीजन को फातिमा कहते हैं। यानी वो वजह जिस वजह से बींज दरख्त में बदलता है और उसमें फूल लगते हैं फिर उसमें फल लगते हैं, ये तमाम निजाम कायनात के चलने के पीछे जो वजह है उस वजह को फातिमा कहते हैं। यानी हमें ये बात समझ में आई कि अल्लाह हमें फल किसकी वजह से खिला रहा है, अल्लाह हमें दाने किसकी वजह से खिला रहा है। इसीलिए जो भी अल्लाह का रिस्क खा रहा है उसके ऊपर उसने घराने सैयदा की मोहब्बत को वाजिब करार दे दिया। अब अगर तुम्हें सैयदा के घराने से मोहब्बत नहीं है तो तुम्हें रोटी खाने का हक नहीं है, तुम्हें पानी पीने का हक नहीं है। कयामत के दिन जो खाने और पानी का सवाल होगा वो उन लोगों से नहीं होगा जो सैयदा की मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हक को अदा कर दिया। ये उनसे सवाल होगा कि भाई उनकी मोहब्बत में हमने रोटी बनाई, तुमने उनकी मोहब्बत को छोड़कर रोटी खाई कैसे? यानी अल्लाह सबसे नहीं पूछेगा कि तूने कितना खाना खाया कितना पानी पिया, ये उसकी शान के खिलाफ है। हम आपके पास मेहमान बनकर आए हैं, आप अगर हमें
दस्तखान पर बिठाएंगे तो क्या आप ये देखेंगे कि हम कितना खा रहे हैं? बशर है लेकिन दूसरे की गिजा पर नजर नहीं रखता, भाई आपकी मर्जी जितना खाइए, गिनता थोड़ी है कितने दाने खा लिए। बशर ना गिने और खालिक गिने, उसका मिजाज ऐसा नहीं है। बेहिसाब अता करने वाला क्यों गिनेगा? लेकिन वो एक एक दाने को गिनेगा उस वक्त जब उस वजह को छोड़ दिया जिस वजह से दाने खिलाए गए। वो वजह पीछे मौजूद फातिर के पीछे के रीजन को फातिमा कर, उसी से अल्लाह ने रतख को बतख किया। बीज था गरज बन गया, नुक्ता था जमीन व आसमान पर। यह हुई बहस दुनियावी नेमतों की। आसमान फैले, जमीन बनी, गैलेक्सीज आए, प्लैनेट्स आए, सब कुछ आया, हम भी आ गए, अब हम जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, दाने सब, ये जिस्मानी गिजा चल रही है। लेकिन रूहानी गिजा भी होती है। सिमटा हुआ अगर हो तो नुक्ता होगा, जिसे मौला ने फरमाया वो नुक्ता है बा मैं हूं, उसी में इंजील है, उसी में तौरात है, उसी में जबूर है, उसी में आसमानी सहीफे हैं, उसी में कुरान है। सिमटा हुआ है तो नुक्ता है, फैल जाए तो बिस्मिल्लाह हो गया, और फैल जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फैल जाए तो अलहम्द हो गया, और फैल जाए तो पूरा कुरान हो गया। यानी आज हमारे सामने अगर फैला हुआ कुरान है और अगर हम उस कुरान की आयतें पढ़कर जन्नत में जा रहे हैं तो हमारी इबादतों पर एहसान है उस वजूद का, जिस वजूद की वजह से वो सिमटा हुआ नुक्ता फैलकर कुरान बन गया। मैं तवज्जो है, यानी नुक्ता फैलकर कुरान हो गया। भाई क्यों हुआ फैलकर कुरान? कोई तो वजह हो, का पीछे की वजह को फातिमा कर, अल्लाह ने अपने फातिर होने का पता जिसके जरिए से दिया वो जरिया फातिमा कहलाता। का अब तुम रोटी खा रहे हो उसकी वजह से, पानी पी रहे हो उसकी वजह से, जमीन है उसकी वजह से, आसमान है उसकी वजह से, अलहम्द है उसकी वजह से, अलबकरा है उसकी वजह से, आले इमरान उसकी वजह से, निसा उसकी वजह से, मायदा उसकी वजह से, पूरा कुरान उसकी वजह से, उसी में जिक्र है, उसी में आयात है, उसी में हमारी इबादतें हैं। नमाज पढ़ने वाले ने कुरान का सूरा पढ़ा, कुरान का सूरा नहीं होता तो नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती तो जहन्नम में चला जाता। उसने नमाज पढ़ी क्योंकि कुरान थी, कुरान फैला हुआ है क्योंकि नुक्ता फैला, नुक्ता इसीलिए फैला क्योंकि पीछे वजह मौजूद है। यानी अल्लाह की वुसअत और रहमत की वजह को फातिमा कहा जाता है। तो बस अब एक आखिरी और बात रह गई, अजीब और गरीब हदीस है। लोगों ने, यानी इस दुनिया का एहसान नहीं उतार सकता कोई, भाई जो अव्वल होता है, पहले जो होता है, मोहसिन जो होता है, एहसान जिसे कहते हैं, वो उतार सकता है? आप बदले में 100 गुना कर लीजिए, नहीं उतरेगा। भाई माँ ने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, आप 90 साल उन्हें घर में रखिए, बराबर हो जाएगा? हर किस बराबर नहीं होगा, क्योंकि पहले किसने किया? जिसने पहल की वो हमेशा अफजल होगा, है ना। बाप ने अपने बच्चे को पालकर जवानी तक पहुंचाया, जईफी में वो बाप का सहारा बना हुआ है, तो क्या बराबर हो गया? नहीं हो सकता। पहल की कभी, पहल का कभी बदला नहीं दिया जा सकता। पहल का सिर्फ दुनियावी चीजों में पहल का बदला नहीं हो सकता। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो हम चाहे 1,00,000 तस्बीह पढ़े, हम 1,00,000 सलवात पढ़े, लेकिन उस वजह को के हक को कभी अदा नहीं कर सकते कि हमने अब सैयदा के हक को अदा कर दिया। जब दुनियावी चीज में अदा नहीं होता तो रूहानियत में कैसे अदा हो? एक हदीस और रसूल अकरम ने बयान फरमाया, इरशाद फरमाते, अना व अली मिन नूरी वाहिद, है ना। तर्जुमे अजीब अजीब हुए दुनिया में, आपने सुना होगा, लोगों ने तर्जुमा किया, मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं। हदीस देखेंगे आप तो ऐसी नहीं है, ना हदीस में दो है
हदीस में टुकड़े हैं, अना मैं अली और अली मिन नूर वाहिद, एक नूर से है ना। तर्जुमा बदल गया, दो टुकड़े जो था वो एक नूर हो गया। लेकिन तर्जुमे में डिसिप्लिन ये है कि जब आप किसी को ट्रांसलेट करते हैं तो मुतकल्लिम की मारिफत हो तभी जाकर लफ्जों का ट्रांसलेशन होगा। जो मुतकल्लिम को नहीं जानता वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता। यानी लफ्ज को लफ्ज के बदले रख देने को तर्जुमा नहीं कहा जाता, मिजाज और तबीयत को बाहर निकलवाने को तर्जुमा कहा जाता है। जैसे लोगों ने कुरान की आयत का तर्जुमा किया, भाई मकरू व मकर अल्लाह अल्लाह खैरुल माकिरीन, दुनिया ने तर्जुमा किया तुम अल्लाह से मक्कारी करोगे तो अल्लाह तुमसे मक्कारी करेगा, और वो बहुत अच्छी मक्कारी करता है। तो ये तर्जुमा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मुतकल्लिम की शान को नहीं पहचाना, खुदा की शान में नहीं है। तो जब मुतकल्लिम की मारिफत होगी तो तर्जुमे बदलेंगे। अब तर्जुमा यह हुआ कि अगर तुमने अल्लाह से मक्कारी की तो वो तुम्हारी मक्कारी का जवाब देगा, और उसे मक्कारियों का जवाब देना बहुत अच्छी तरह से आता है। बात कहां से कहां पहुंच गई? क्योंकि मुतकल्लिम के इरफान से तर्जुमे बदलते हैं। वैसे ही जब रसूल अकरम ने कहा मैं और अली अना व अली मिन नूर वाहिद, तो मुतकल्लिम की मारिफत होते होते तर्जुमे बदलते हैं। जैसे मैं और अली एक नूर से हैं, लेकिन और अगर बदल जाए तो वाहिद अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक है, तो अब तर्जुमा होगा मैं और अली वाहिद के नूर से। मैं और अली वाहिद के नूर से, वाहिद उसकी जात है और हम उसके नूर से हैं। बात कहां से कहां चली गई? तो कहा भाई आप कहां थे वाहिद के नूर से? भाई हम तो उस वक्त है, तवज्जो रहे, जमान और मकान, देखिए खैर मौजू नहीं है, वक्त भी नहीं। मकान किसे कहते हैं? मकान कहते हैं स्पेस को, जमान कहते हैं टाइम। आसमानी मशहूर मजमून है स्पेस एंड टाइम, जमान व मकान। अल्लाह ने अंधेरा भी बनाया रोशनी भी बनाई, उस वक्त भी था जब ना अंधेरा था ना रोशनी। अब इंसान का जहन परेशान हो, भाई या तो रोशनी हो या अंधेरा, दोनों भी नहीं हो तो क्या होगा? भाई हमें क्या पता, हम तो बशर है, बशर उतना थोड़ी ना जानता है। उसने खुश्क को यानी सूखे हुए को भी पैदा किया, तर को भी पैदा किया। जब वो था ना खुश्क था ना तर था, दोनों भी नहीं है मगर वो है। वैसे ही अल्लाह ने स्पेस को भी बनाया, मैटर को भी बनाया, दीवार भी उसने बनाई, स्पेस भी उसने बनाया। उस वक्त भी था तो ना स्पेस थी ना मैटर था। अब स्पेस भी नहीं है, खाली जगह भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, फिर क्या है? आपको थोड़ी ना पता हो, उसने बनाया है इन दोनों का, समझ जाए ना। वैसे ही अल्लाह ने जमान बनाया, जमान यानी टाइम बनाया, इसीलिए बनाने वाला जमाने में नहीं आता। जिसने जमाने को बनाया वो लाजमान होगा, क्योंकि उसने बनाया है टाइम। तो जो बन रही है चीज वो भला बनाने वाले को कैसे घेरेगी? इसीलिए हम बूढ़े हो जाएंगे, हम 80 बरस के 100 बरस के होंगे, हम पर वक्त का असर होगा, उस पर वक्त का असर नहीं होगा, क्योंकि उसने वक्त को बनाया है। क्योंकि उसने मकान को बनाया है इसीलिए वो लामकान है, मकान उसे घेर नहीं सकता क्योंकि उसने मकान को बनाया। लामकान और लाजमान, और जो अल्लाह की दो सिफतें लामकान और लाजमान, हमें इन दोनों की दोनों सिफतों का पता चला। लामकान का पता हमें एक फजीलत अली से चला,
جب علی کو لوگوں نے 40 مقامات پر دعوت دی. یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ 40 مقامات پر آئے گئے کہ نہیں. جب موجود ہوئے تو انہوں نے حیرت کی, کہا کہ بھائی جو مکان سے پہلے سے ہو اسے مکان گھیر نہیں سکتا. پہلے امام سے ہمیں لامکان ہونا سمجھ میں آیا اور آخری امام سے ہمیں لازمان ہونا سمجھ میں آیا. اسی لیے اتنے برس گزر جانے کے بعد اس کے وجود پر وقت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا, اور آج بھی جب کوئی سلام کرتا ہے تو اسے یہ کہہ کر تھا میرا سلام اس ہستی پر جو زمانے کا امام ہے. یعنی وہ وقت کے تابع نہیں ہے, وقت اس کے تابع ہے. وہ گھڑی کا انتظار نہیں کر رہا ہے, گھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے. لازمان اور لامکان کون سے؟ لازمان. تو بھئی آپ کہاں تھے؟ اللہ کے نور سے واحد کے نور تھے کہاں؟ کہا بھئی کہاں رہیں گے, مکان ہی نہیں تھا تو ہمارے لیے کہاں ختم ہو گیا. نہیں توجہ نہیں کیا. کہاں؟ اینا, یعنی اس کے لیے ہوگا جو کہیں ہو, جو ہر جگہ ہوتا ہے اس کے لیے اینا نہیں ہوگا. یعنی جو لامکان ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں. کیا کوئی ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ نہیں بتا سکتا, کیونکہ وہ لامکان. لامکان کے لیے کہاں یوز کرنا, یوز کرنے والے کی جہالت کی دلیل ہے. ویسے ہی لازمان کے لیے کب یوز کرنا, یوز کرنے والے کی. اسی لیے جو لامکان و لازمان ہو ان اہل بیت کے لیے کبھی یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ کہاں اور کب. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے. اسی لیے یہ پوچھا, یہ سوال ہی غلط ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی بتائیے اہل بیت کب سے ہے, تو یہ سوال غلط اسی لیے ہو گیا کیونکہ ان کو کب کہا ہی نہیں جائے گا. واحد ہے, واحد میں, واحد سے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھئی اس کا یعنی کیفیت کیسی. حدیث بیان کر دی, میں اور علی واحد سے کے نور سے ہے. بھئی جہاں بھی تھے یہ تو بتائیے کہ ہمارے سامنے آپ آئے کیوں. توحید کی باتوں سے ہمارا کوئی تعلق تھا؟ کہاں بشر کی کمزور تھی, کہاں شان توحید, دونوں میں کوئی ریلیشن ہی نہیں. پھر آپ دنیا میں مخلوق کے سامنے آئے کیوں؟ ایک حدیث میں اس راز کا پتہ دیا جس میں اس ذات مقدس نے حدیث قدسی میں بیان کیا, لو لاکھ لما خلقت الافلاک, میرے حبیب آپ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا, جو کچھ ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ ہیں. آپ سے سب کچھ ہے, سب کچھ سے آپ نہیں ہیں. جو بھی ہے وہ آپ کی وجہ سے, آپ ہے تو سب ہے, آپ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. بات یہاں تک واضح تھی؟ ایک قدم اور آگے بڑھی اور ارشاد ہوا لولا علی لما خلقت, اور اگر علی نہیں ہوتے تو آپ نہیں ہوتے. یعنی علی کو اگر خلق کرنا نہ ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہیں کرتا. ایک سلسلہ تھا جو بعد میں آنے والا ہے, اسی لیے پہلے آپ آئے. بات یہاں تک بھی واضح تھی؟ ایک قدم اور حدیث ارشاد ہوا کہ لولا لما خلقتما, کہ اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو آپ دونوں نہیں ہوتے. نہیں ہونے کا مطلب نہیں ہونا نہیں ہے, نہیں ہونے کا مطلب ہے ہمارے سامنے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ تو منزل وحدانیت میں کہیں ہے جس کے لیے نہ کہیں ہے, نہ کیسا ہے, نہ کب ہے, نہ کہاں ہے, وہ ہماری سمجھ سے باہر. لیکن مخلوق کے سامنے کائنات میں پھیلے, کیونکہ اس کے پیچھے سبب فاطمہ ہے.
یعنی یہ زمین اور آسمان جو سمٹے ہوئے بوند نقطے سے پھیل کر کائنات ہو گئے, اور یہ ایک بینج جو پھیل کر درخت ہو گیا, اور وہ ایک نقطۂ با جو پھیل کر قرآن ہو گیا. ان سب سے سوا سمٹا ہوا نور علی اور رسول کبھی نہیں پھیلتا, اور اس کے پیچھے سبب فاطمہ نہیں. کیونکہ ان کا ہونا تھا اسی لیے آپ کو پھیلا دیا. توجہ, یعنی فاطر سمٹے ہوئے کو ایک جگہ جمع کمپریسڈ رہنے والے کو پھیلانے والے کو فاطر, اور فاطر جس کی وجہ سے یہ کام کرے اس وجہ کو فاطمہ کہتے ہیں. کائنات ازل سے لے کر ابد تک کبھی اس نام کی بلندی کو نہیں سمجھ سکتے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر اسے سمجھایا, کیونکہ ایک لفظ ہے فتیم, عربی میں آتا ہے, یوز ہوتا ہے 2 سال کے بچے کے لیے. 2 سال کیوں؟ یعنی دودھ پیتے بچے کے لیے, کیونکہ قرآن نے یہ رول دیا ہے کہ بچوں کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے, تو فتیم دودھ پینے والا بچہ, یعنی میکسیمم 2 سال, توجہ, اسے کہتے ہیں فتیم. اسی سے جڑا ہوا یہ نام ہے. کہا آپ نے یہ نام فاطمہ کیوں رکھا, اس سے فتیم کا کوئی رشتہ؟ کہاں رشتہ, کا رشتہ کیا؟ کہا کائنات اگر پوری مل جائے, تمام عقلیں جمع ہو کر اگر سمجھنے کی کوشش کرے, تو فاطمہ کو اتنا ہی سمجھ سکتی ہے جتنا ایک 2 برس کا بچہ. جتنا ایک 2 برس کا بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے, اس سے زیادہ کوئی کائنات میں سیدہ کو نہیں پہچان سکتا. توجہ, اب 2 برس کا بچہ اپنی ماں کو کتنا پہچانتا, اسے نہ ماں کا نام معلوم ہے, نہ پروفیشن معلوم ہے, نہ کہاں رہتی ہے معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم. اسے بس اتنا معلوم ہے کہ اگر مجھ پر مصیبت آئے تو یہ میری پناہ. اگر مجھ پر مصیبت آ تو یہ میری پناہ گاہ ہے, اس سے ہٹ کر کوئی بچہ اس سے زیادہ اپنی ماں کو نہیں جانتا. اسی لیے شہزادی کا یہ نام رکھا گیا, کیونکہ کونین مل کر اگر سمجھنے لگے مل کر تو 2 برس کے بچے سے زیادہ نہیں پہچان. نام رکھنے میں اہتمام دیکھیے, کتنی چیزوں کو نظر میں رکھ کر اللہ نے یہ نام رکھا. اسی لیے ہم نے اپنے شہر میں اس بات کو کئی مرتبہ دہرایا, اب آپ کی خدمت میں پہلی بار آئے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اہل بیت کے مظلوم ہونے کے لیے خنجروں اور تلواروں کا ذکر کرنا مظلومیت کو اظہار کرنے کے لیے ضروری نہیں. خنجر اور تلوار تو بہت دور کی بات ہے, زمانے نے جو ان کی بے ادبی کی, دنیا میں ان کا انسانوں کے بیچ میں, کمزور بشر کے بیچ میں ان کا اتر کر آ جانا ہی ان کی مظلوم ہونے کے لیے. اتنی مظلوم جو آئے دنیا پر تو مظلوم آئے گا, کیونکہ بشریت اس کا محل نہیں ہے, تو لہذا مظلوم ہے آمد سے مظلوم. جو اپنی آمد میں مظلوم ہو اس کے اوپر ظلم کا یہ سلسلہ کہ ہم ابھی آنکھیں نم ہیں عزاداروں کی, مومنین کی, جو تاریخ گزری ہے 8 شوال کی یہ تاریخ, یعنی عداوت کا خیال کہیں دنیا میں آپ نے سنا ہے کسی بھی مذہب و ملت میں کہ کسی نے کسی کی خبر سے دشمنی کی؟ بھئی مذہب و ملت کے دائرے کے باہر کافر و مشرک ہو یا جو بھی ہو, لیکن کوئی اس کی خبر کی بے حرمتی نہیں کرتا.
दायरे इंसानियत है ये, उससे ज्यादा आगे निकलकर अहले बैत पर जुल्म किया। लेकिन इस खबर का मिसमार किया जाना, शहजादी के रोजे को ढाना, इसमें मुसीबत क्या थी, शिद्दत क्या थी, ये कोई अली के दिल से, क्योंकि जो तारीख ने मंजर हमारे सामने रखा कि अली ने जुल्फ़िकार को बेनियाम नहीं किया था। कितनी मंजिलों से गुजर गए, जिस दरवाजे पर अल्लाह का रसूल आकर सलवात और सलाम पढ़ता था उस दरवाजे को आग लगा दी। शहजादी कौनैन जब दरवाजे के करीब आई ये सोचकर कि ये रसूल का कलमा पढ़ते हैं और मैं रसूल की बेटी हूँ, इन्हें रिसालत का कुछ तो पास होगा, लेकिन सैयदा की ये उम्मीद ऐसे टूटी कि वो जलता हुआ दरवाजा पहलू है सैयदा का। हसलियां शहजादी कौनैन की टूट गई। तारीख ने लिखा कि उस दिन के बाद से देखा नहीं किसी ने हाथ उठाकर सैयदा को तस्बीह पढ़ते, पहलू से हाथ नहीं हटता था, दर्द का ही आलम था। लेकिन अली ने सब्र किया, अभी तलवार अली ने नहीं निकाली। 18 बरस के सिन में कमर खमीदा हो जाए, सर सफेद हो जाए, बुजुर्गी तारी हो जाए, ज़ईफ़ी तारी हो जाए, ये सारी मुसीबतों को देख रहे थे, लेकिन अली ने सब्र किया। शहजादी ने वसीयत की थी कि आप रात में मेरा जनाजा उठाना, मुझे गुस्ल भी रात में देना। जनाजे की इल्लत तो समझ में आई, लेकिन गुस्ल रात में देना का इसकी क्या वजह? इस पर कुछ गौर किया तो एक जवाब सामने आया कि अली की मजलूमी का शहजादी को यह ख्याल था कि शहजादी ने नहीं चाहा कि रोशनी के उजाले में अली मेरा जख्म देखे, जिस जख्म को अंधेरे में महसूस कर हाथ से महसूस करके अली की चीख निकल गई, उस जख्म का क्या आलम हुआ होगा। सहा जबान अली से सलमान और गुजर के दिल लड़ रहे, अली की जबान से सहा। इस मुसीबत पर भी अली ने सब्र कर लिया, जनाजा उठा, शहजादी को नैन की तस्वीर। अब जो ये खबर मदीने में फैलने लगी तो जालिमों ने जुल्म की नई दास्तान है, उन्होंने कहा हमारी इत्तला के बगैर ये कैसे हो गया, अब हम फिर से खबर को खोदेंगे और जनाजा बाहर निकाला जाए और हम फिर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़े, फिर तदफीन होगी। जैसे ही इस गुस्ताखी की बात अली के कानों तक पहुंची तो ऐसे साबिर ने एक मरतबा जुल्फ़िकार को बेनियाम। हमें इससे समझ में आ रहा है कि अली के नजदीक मजारे फातिमा की अहमियत का क्या हाल है। या अली, उस रोज तेरी जुल्फ़िकार को बेनियाम देखकर जालिम चले गए, लेकिन आज सैयदा की मजार की तरफ निगाह करके दे कि रसूल की बेटी की मजार बेसाया धूप में पड़ी हुई है। अब इंतजार है उस घड़ी का जब साहेब जुल्फ़िकार फिर वापस आए और आने के बाद इस गुस्ताखी का जवाब। जुल्फ़िकार अली को मदीने में बेनियाम देखा, वो पलट कर वापस चले गए, मजलिस तमाम हो गई। इन आवाजों पर परवरदिगार अपनी रहमत नाजिल फरमाए। जुल्फ़िकार ये मंजर देख रही थी कि बेनियाम हो जाने से गैज़ो गज़ब का क्या हाल। लेकिन इस मंजर को देखने के बाद आशूर के रोज जुल्फ़िकार ने एक मंजर और देखा, जब उसी जुल्फ़िकार से खोज हुसैन ने एक नन्ही सी खबर बनाई जिसमें 6 महीने को दफन कर इस इत्मीनान से रुख्सत हुए कि मेरे बच्चे की तदफीन हो गई। लेकिन शाम गरीबा के आते आते उस 6 महीने के बच्चे की मजार को खोदा गया, लाशें अली असगर को बाहर निकाल, जिस गले पर तीर चल चुका था उस पर दोबारा खंजर था। بارگاہ پروردگار عالم اس مبارک اور مقدس ذکر عزاداروں کے گریہ و زاری کے وسیلے دعا ہے، تمام صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
جو بیمار ہے پروردگار اس کے رہتے کامل عطا فرمائے، جو مخروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائے، جو روزگار کی تلاش میں پروردگار نے روزگار عطا فرمائے، جن کے کاروبار ان کاروبار میں خیر برکت عطا فرمائے، جو مفلسی اور تنگدستی میں جی رہے پروردگار میں خوشحالی و تمنگری عطا فرمائے، ساری سرزمین پر علی کی محبت کے عوض جو ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار، اس زمین کے جس گوشے جس خطے میں تیرے مذہب کے چاہنے والے ہیں سب کو جان مال و عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ خدمت میں آپ کی ایک مرتبہ اور التماس سے کہ ایک سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، مرحومہ ام فروہ بنت توفیق حسین پر تمام تاجیل ہو ظہور ولی آسم، ہمیں مولا کے ناصر و شمار خلوار بابا